प्रति 10 वर्ष रे होइथाए जनगणना 2011 रु ए पर्यंत जनगणना होइनै 2022 मार्च रे आरंभ होबार थिला डिजिटल जनगणना एनै तीनोटी आप प्रस्तुत होइथिला अंगनवाड़ी दीदी मानू मध्य ट्रेनिंग दि जाइथिला एहा होउची विकसित भारतर प्रथम जनगणना प्रक्रिया आरंभ होइथांता। 2011 रु बंद रहिछि जनगणना कार्यक्रम एथर डिजिटल रे गणना करबा को निष्पत्ति निया जाइथिला एथिपाई तीनोटी आप तयारी होइथिला। 2022 शेष सुद्धा एही जनगणना कार्यक्रम शेष करबा को लक्ष्य रखिथिला जनगणना निर्देशालय। दुईटी पर्याय रे जनगणना होइथांता प्रथमे गृह तालिका प्रस्तुत करा जाय एनपीसी को अपग्रेड करा जाइथांता हेले आज पर्यंत जनगणना होइ पारु नाही। ओडिशा रे थिबा जनगणना निर्देशालय पक्षरु एने कोनोसी उत्तर मिलु नथिबारु चिंता व्यक्त करिछंती बुद्धिजीवी। देखो जनगणना गोटे जदि गोटे देशर प्रकृत लोक संख्या केते सेटा दिन जना न पड़ो ताले हुए तो गोटे समय एमती हम जो देशर योजना व्याहत हम देशर विभिन्न जो कते लोकपाई देशर अर्थनीति से अनुसार प्रस्तुत हुए तो जनगणना प्रमुख भूमिका रही है। लोकसंख्या निर्धारण निहाती आवश्यक तेणु आज पर्यंत न होबाटा बर्तमान गोटे बड़ प्रसंग हो सरकार से कानीचाई मुझे देखुची से दिखे प्रस्तुति ना। 1872 रु देश में जारी रही जनगणना कार्यक्रम कोरोना महामारी आल देखाई आज पर्यंत जनगणना करना निर्देशालय जदि सठिक समय रे जनगणना करा न जाए तबे भारतर आर्थिक मानदंड यार प्रभाव पड़ार आशंका रही। केन्द्र सरकार एने दृष्टि आकर्षण करू नथिबारु चिंता प्रकट करिसंती बुद्धिजीवी ओ विशेषज्ञ। जनगणना गोटे 10 वर्ष रे थरे हबा एटा गोटे स्वाभाविक प्रक्रिया किंतु दुर्भाग्यवशत आम देश रे 11 परे जो जनगणना हबा कथा सेटा 21 रे हबा कथा किंतु सेई पाखापाखी समय रे आमे समस्त देश एवं सारा पृथ्वी गोटे कोविड महामारी रो संक्रमण रे पड़गला। जनसंख्यार जो हिसाब किताब सेटा बहुत आवश्यकता मु आशा करबी जते जल्दी हम आम राज्य पई आम देश पई आम सामाजिक स्थिति अर्थनैतिक स्थिति एवं परिवार स्थिति कौन ताको जानिबारे सुजोग मिलिबो एवं सेही सुजोग को नेकी आम विकास नक्साटा भी तैयारी कर। गोटे पटे जनसंख्या वृद्धि पाउची अन्य पटे जनगणना प्रक्रिया आरंभ हो पारुनि या फल भारतर अर्थनैतिक मानदंड प्रभाव पकाउची एने चिंता प्रकट करिछंती विशेषज्ञ माने। भुवनेश्वर भिडियो जर्नलिस्ट बनबीरों सह सुनील लेंका नंदी गोष्ठी।